ट्रिपल सेवन में स्वागत करती हूँ। और आज हम नवंबर माह की रीडिंग करने जा रहे हैं। नवंबर माह 11/11 पोर्टल की ये रीडिंग रहेगी। तो ये 11/11 का पोर्टल आपके लिए क्या ब्लेसिंग लेके आ रहा है और क्या आपकी एनर्जी रहेगी, यहाँ हम रीड करने की कोशिश करेंगे। हमेशा की तरह मैंने यहाँ पे 2 पाइल्स रखी हुई हैं, और नंबर 1 में ऑरेंज पेंसिल, नंबर 2 में येलो पेंसिल, आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। तो जो भी पाइल आप जिस कलर के साथ आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप उस पाइल को चुनकर टाइम फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हाय पाइल वन, जिन्होंने ये ऑरेंज कलर का पेंसिल को चूज किया है, तो चलिए जानते हैं नवंबर माह उनके लिए क्या ब्लेसिंग रहेगी। गाइज, यहाँ पे आज थोड़ी सी जगह कम है, तो प्लीज एडजस्ट करने की कोशिश कीजिएगा, कार्ड शायद आपको फुली नहीं देख पाए। सभी के लिए न्यू ब्लेसिंग लेके आए, इनकी जो हो और ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। नवंबर माह दीपावली भी है हमारी 4 नवंबर को, तो सभी के लिए खुशियाँ लेके आए। और आर्कएंजल हैनिंग जो होती है ना, वो फैमिली आप बोल सकते हो कि लेडीज की बहुत सुनती हैं, फेमिनाइन होती हैं, तो सभी स्त्रियों के सुहाग की रक्षा हो। करवा चौथ भी अभी भी है, तो सभी के सुहाग की रक्षा हो, सभी के ऊपर हैनिंग जी की कृपा रहे, ऐसे मैं कामना करती हूँ। चलिए, आर्कएंजल हैनिंग की तरफ से और इस बार आपकी क्या नवंबर माह की रीडिंग रहेगी, क्या आपकी एनर्जी आसपास काम करेगी, चलिए देखते हैं। देखिए, मैंने फैन लाइन की बात की थी और यहाँ पे आपके लिए आया है क्वीन ऑफ फैंस। जैसे कि आप कुछ काम करने का पेशेंस काफी लिए हुए हो, बहुत सारा पेशेंस है और बहुत सारी आपकी इच्छाएं रही होंगी इस बार जो आप पूरा करना चाहते हो। नवंबर माह में आप अपने लिए स्टैंड लेते जा रहे हो। मुझे दिख रहा है कि जैसे आप कोई बिजनेस की बहुत दिनों से प्लानिंग किए हुए थे और वो बिजनेस आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे, तो इस मंथ आपके वो बिजनेस की स्टार्टिंग होते हुए मुझे दिख रही है। ज्ञान आपका बढ़ते हुए दिख रहा है, नॉलेज आपकी बढ़ते हुए दिख रही है, और वो नॉलेज को आप मुझे दिख रहे हैं यूटिलाइज करते हुए भी मुझे आप दिख रहे हो, है ना। अगला कार्ड देखते हैं, द इम्प्रेस। वाओ, पाइल वन जिन्होंने भी चुना है, एक बात याद रखिए, जिस भी काम के लिए आप सोच रहे हो वहां आपके अबंडेंस है, क्रिएटिव जो है ना, ये यहाँ पे ये भी क्रिएटिव की महारानी है, ये रचनात्मकता की महारानी है, और ये तो सुपर है, इसकी इससे भी सुपर है, ये तो जन्म देने के लिए, और आप जन्म देने के लिए, तो इस नवंबर माह में कुछ ना कुछ आप नया जन्म दोगे और फाइनेंशियली भी इंडिपेंड होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। प्रेगनेंसी का मैसेज है, पता नहीं क्यों मुझे लगता है मेरे कलेक्टिव में काफ़ी सारे जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो प्रेगनेंसी को लेकर ज़्यादा ही परेशान हैं, और मुझे बार बार प्रेगनेंसी के ही मैसेज आ रहे हैं। मुझे इन दोनों कार्ड से दिख रहा है कि अगले 3 महीने, कुछ लोगों के लिए 3 साल भी हो सकते हैं, बट मुझे अभी अगले 3 महीने मुझे दिखते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी के लिए काफ़ी है जो पॉजिटिव साइन रह सकते हैं। बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं, तो इन 3 महीनों में आपकी प्रेगनेंसी होने की काफ़ी चांसेस हैं। ब्लेसिंग अगर होगी तो कुछ लोग आपके आसपास मास्किंग नेचर के होंगे, आपसे जलने वाले होंगे, और उनसे आपकी बचने की जरूरत भी होगी। और ये कार्ड ये दिखा रहा है कि जिस भी काम को करना चाहते हैं ना, उसमें ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है आपको जो आपको स्टॉकिंग कर रहे हैं आपकी। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे किसी की प्रेगनेंसी से भी किसी को जलन है, नजर लगा रहे हैं आपके लिए। यहाँ पे मैसेज है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी होती है तो ऐसे लोगों तक अपनी प्रेगनेंसी की खबर ना पहुँचने, क्योंकि ये जो है ना आपके जो
कर सकते हैं। ये बंदे को देख रहे हो ना, ये बंदा कुछ भी करेगा जीतने के लिए, सांप दंड भेद चालाकी गंदगी गंदी हरकतें सब कर सकता है। तो इससे आपको बचने की जरूरत है। जो भी काम करना चाहते हो, जो भी प्लान्स कर रहे हो, चाहे आप किसी भी क्रिएटिव में, अगर घर प्लान बनाने के बारे में सोच रहे हो, तो इस बंदे तक कोशिश करें कि वो प्लान्स आपके नहीं पहुँचे। घर बनाने की बात यहाँ मुझे कुछ लोगों का लग रहा है कि बहुत सालों से सोच रहे थे अपना घर में कुछ नया इंटीरियर करने के लिए, कुछ रेनोवेट करने के लिए। तो यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है कि आप वो भी पाओगे अगले 3 महीने में। अपना घर भी, जिनका घर नहीं है वो अपना घर मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और जिनका घर है वो कुछ बदलाव चाहते थे, कुछ फर्नीचर चाहते थे, कुछ रेनोवेशन चाहते थे, कुछ इंटीरियर डिजाइन चाहते थे, तो वो यहाँ पे मैनिफेस्ट होते हुए दिख रहे हैं। फर्नीचर मुझे खास दिख रहा है कि अगर फर्नीचर चाहते थे तो फर्नीचर यहाँ पे मिल जाती थी। यहाँ पे भी आप देखेंगे थ्रोन है, यहाँ पे भी थ्रोन है। तो फर्नीचर खासकर मुझे सोफा सेट, डिनर सेट, सॉरी डाइनिंग टेबल सेट, ये मुझे दिखते हैं, दिख रहे हैं। आप इसे हो सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड कुछ ना कुछ बदलाव की बात कर रही है। लाइफ के जितने भी कार्मिक पैटर्न्स रहे थे उन सभी को तोड़ते हुए दिखा रही है। मुझे इस पे इसके माला पे नजर गई। आई डोंट नो, मेरी जो मैं नाज मैम का वीडियोस देखती हूँ तो उन्होंने भी एक बार इस कार्ड की बहुत ही अच्छी एक्सप्लेन की थी। जैसा दिख रहा कि आपने हाल में बहुत कुछ बुरा झेला था, फिर भी आपने विश्वास छोड़ना नहीं दिया, अपने ईश्वर पर विश्वास करते रहे, जप करते रहे, अपना कर्म करते रहे, भले ही लोगों ने आपको कठोर समझा, गलत समझा, पर अपना काम करते रहे। तो यहाँ पे दिख रहा है नवंबर माह से आपकी बिग ट्रांसफॉर्मेशन होगी और जिसके चलते लोग आपकी सुनेंगे, आपको एक रिस्पेक्ट मिलेगा। ये तीनों कार्ड, क्वीन ऑफ पेंट्स, इम्प्रेस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तीनों ही कार्ड्स मुझे दिखा रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसा काम होगा जिससे आपकी रिस्पेक्ट होगी और इस वजह से आपके लिए ये एनर्जी आएगी। लड़के भी हो सकते हैं जिन्हें अपने जीवन साथी का बहुत दिनों से इंतजार था, शादी को मैनिफेस्ट करना चाहते थे, पर शादी कहीं ना कहीं हो नहीं रही थी, कुछ ना कुछ ब्लॉकेज आती जा रही थी। यहाँ पे मुझे दिख रहा है नवंबर माह में कहीं ना कहीं से आपके रिश्ते की शुरुआत हो सकती है, प्लानिंग आपकी बन सकती है। और बात करूँ अगले 4 महीने, यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन 4 महीनों में आपके लिए कहीं ना कहीं से रिश्ता हो जाएगा। और ये अगर ईश्वर ने चाहा तो इन 4 महीनों में आपकी शादी भी होते हुए मुझे दिख रही है, ठीक है। सेलिब्रेशन भी दिख रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे छोटे मोटे सेलिब्रेशन आ रहे हैं। बिजनेस में सेलिब्रेशन है, अबंडेंस है, और सेम फिर से मैसेज रिपीट हुआ है, फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी के चांसेस है। बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे, प्रेगनेंसी के चांसेस है। यहाँ से मुझे 3 महीने का मैसेज मिला था, यहाँ मुझे 4 महीने का मैसेज मिल रहा है। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि 4 महीने में, यानी कि आपके नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, इन 4 महीनों में आपकी प्रेगनेंसी होने के चांसेस हाई रहेंगे, 3 से 4 महीने। यहाँ से मुझे दिख रहा है कि अगर आप गाड़ी लेने की प्लानिंग कर रहे थे बहुत दिनों से, तो या इन 4 महीनों पे आप गाड़ी भी मैनिफेस्ट कर सकते हो ना, इन 4 महीनों में आप गाड़ी भी मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिख रहे हो। ऐसे ही जब करते रहो, बदलाव करते रहो, आध्यात्मिक रूप से जो भी आप काम कर रहे हो बहुत अच्छे कर रहे हो, और ये आपको कर्म आपको मैनिफेस्ट होंगे। आपके एंजल की तरफ से मैसेज देख लेते हैं, क्या एंजल्स की तरफ से मैसेज है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है पाई वन की। कुछ लोग मुझे दिख रहा है अपनी मासूमियत भूल चुके थे, इतना लाइफ में इतना सब कुछ हुआ था कि अपने जो इनोसेंस है ना, इनोसेंस पर्सनैलिटी, अंदर का इनर चाइल्ड है ना, वो कहीं खो गया था। तो ये नवंबर माह से मुझे इन 4 महीनों में आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग होते दिख रही है। मुझे दिख रहा है कि आर्कएंजल राफेल आप के लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। हालांकि मैंने ये हैंगिंग को
ध्यान में रखते हुए रीडिंग कर रही हूँ, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप हैनियल और आर्कएंजल रफाइल का प्रेयर किया करिए 11 टाइम रोज। आपको जरूर कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, जो भी काम करना चाहते थे वो काम आपका जरूर होगा। चलिए आपके लिए एंजल मैसेज देख लेते हैं। करियर मुझे अभी सब सुनाई दिया, तो जो लोग करियर बनाने के लिए सोच रहे हैं ये नवंबर माह के से लेकर, हालांकि ये 11/11 का पोर्टल की बात कर रही हूँ, पर मुझे यहाँ भी मुझे अगले 3 महीने, 2 से 3 महीने में आपका करियर भी फिक्स होते हुए दिख रहा है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपना बिजनेस करने का स्टार्ट करना चाहते हो, मुझे जॉब का कम और मुझे कुछ बिजनेस स्टार्टिंग का दिख रहा है। कुछ अपने यूट्यूब चैनल वगैरह आप बना सकते हो, कहीं पे आप वीडियोस का काम कर सकते हो या अपनी क्लासेस ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है जो भी ये प्लानिंग कर रहे हो ना, बहुत बड़ा सक्सेस पाने वाली है। दिलाता है भी प्यार के लिए ही है, और ये गुलाब जो है पिंक कलर के, मुझे हमेशा चावल की बात करते हैं। ये होली लव का कार्ड भी है। जो भी कर रहे हो ना पवित्र मन से करते रहो, मैंने बोला ना यहाँ पे कि जो भी जप कर रहे हो, जो भी आध्यात्मिक कर रहे हो, बहुत ही सही ट्रैक पे हो। तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि जो भी कर रहे हो ना बिल्कुल सही है। आर्कएंजल चावल अगर आप लव मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वेडिंग मैनिफेस्ट करना चाहते हो, शादी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, या आर्कएंजल चामेल का आप कर सकते हो प्रेयर। ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप कोई आर्कएंजल की तरफ से मैसेज भी आ रहे हैं, एंजल की तरफ से मैसेज भी आ रहे होंगे। फ्लावर्स दिख रहे होंगे, बटरफ्लाइज दिख रही होंगी, बर्ड्स दिख रही होंगी, फीडर्स दिख रहे होंगे। तो साइन दे रहे हैं कि तुम मुझसे हेल्प मांगो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। प्रेयर कीजिए। जॉब के लिए चाहते हैं तो गैब्रियल का कीजिएगा, और इस एनर्जी से बचना चाहते हैं तो माइकल का प्रेयर जरूर कीजिए ताकि प्रोटेक्शन मिले। अल्लाह का आपके लिए साइंस है रिमाइंडर। मैं यही बात कह रही थी आपसे, मैं यही तो बोल रही थी कि आपको फिगर्स दिख रहे होंगे, बटरफ्लाइज दिख रहे होंगे, और ये कार्ड बोल रहा है कि आपको दिख रहे हैं बट उसको आप कैच नहीं कर रहे हैं। मून पे मेरा नजर गया तो यहाँ से मून रिचुअल का भी मैसेज है। मून रिचुअल आप कीजिए 11/11 पोर्टल पे, जो हमारी न्यू पोर्टल की अफर्मेशन जो होती है, मैनिफेस्टेशन टेक्निक होती है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, उसे भी कीजिए। आपका लास्ट कार्ड है टेक चार्ज एंड एक्शन। मैं वही बात कर रही हूँ ना आपसे, जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, जो भी प्लान बना रहे हो सिर्फ मन में ही नहीं रखो, उन्हें चार्ज करो और एक्शन में लो। सफलता आपके लिए है, बट सफलता आपको कब मिलेगी जब आप उस पर एक्शन लोगे। ये थी फाइल वन मेरी आपके लिए रीडिंग। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने ये फाइल चुनी थी कि नहीं चुनी थी। अगर आपने चुनी थी तो प्लीज़ कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि आपने फाइल वन चुनी थी और ये आपके साथ रेजोनेट हुई या नहीं हुई। आर्कएंजल की तरफ से मैसेज आए रहे हैं, क्या उनकी एनर्जी रहेगी, यहाँ पे आप रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये रीडिंग मैं आर्कएंजल हैनियल की प्रेयर करके कर रही हूँ। अभी हाल में ही करवा चौथ भी हुआ है, तो मैं हैनियल से प्रार्थना करूँगी कि सभी का सुहागमन रहे कि और सबके दामन में खुशी आए। नवंबर माह में दीपावली भी है, और आर्कएंजल जो हैनी है ना वो फेमिनाइन एनर्जी की ज़्यादा सुनती है। तो जो भी आपकी विशेष हो आप आर्कएंजल हैनियल का प्रेयर कीजिए। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी आपकी विशेष होंगी, वो हैनियल आपकी जरूर सुनेगी, आपकी जरूर मदद करनी है, क्योंकि ये खास तौर पर फैमिलाइन की मदद करने के लिए ही है। तो मैं सभी के लिए प्रार्थना करूँगी, और चलिए जानते हैं फाइल टू के लिए आर्कएंजल हैनियल की तरफ से क्या मैसेज आ रहे हैं, क्या उनके लिए 11/11
पोर्टल नवंबर माह की एनर्जी रहने वाली है, क्या उनके लिए मैसेज आ रहे हैं। चलिए यहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं, रीड करने की कोशिश करते हैं पाइल टू के लिए। फाइनेंशियल दिक्कत भी हो सकती है, ऐसा लग रहा है कि उनके पास उनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए ही पैसे नहीं हो पाते हैं। मैं फेमिनाइन की बात कर रही हूँ सिर्फ, मुझे ऐसा दिख रहा है कि फेमिनाइन में कुछ एनर्जी ऐसी है कलेक्टिव में जिनके पास पैसों की बहुत तंगी रहती है, उनके पास उनके इतने पैसे नहीं होते कि जो अपनी ज़रूरत को भी पूरा कर सकें। काफ़ी कुछ किया आपने बट नहीं मिल रहा था रिजल्ट, ना ये वेकअप कॉल है ना, ये दिखा रहा है कि अब आपका टाइम आ गया है, अब आपका टाइम आ गया है, आप कभी उदास होकर बैठने की जरूरत नहीं है, आप एंजल्स तुम्हारे साथ हैं। और ये देखिए एंजल आपके गुड कर्मों के गिफ्ट्स भी लेके आ रही है, तो क्यों उदास बैठना होगा। फाइनल से दिक्कत है, गैबल का प्रयोग कीजिए, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। मेरा इस पर फेमिनाइन पर इस पर भी नजर गया है, मुझे ऐसे क्लियर दिख रहा है कलेक्टिव में बहुत सारी ऐसी लेडी हैं बहुत फाइनेंशियल ब्लॉकेज से बहुत ज़्यादा गुजर रही हैं। आर्कएंजल गैब्रियल आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, प्लीज जरूर प्रयोग का कीजिएगा। एज ऑफ स्वॉर्ड्स, एज ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ना, ये मुझे ऐसे दिखा रहा है प्लान्स बहुत बनाते हैं आप, पर वो प्लान्स जो है ना कहीं ना कहीं इमेच्योर नहीं जाते हैं, पूरे नहीं हो पाते, वो इसलिए कि जो भी प्लान्स आप बनाते हैं ना वो जल्दबाजी में बनाते हैं। हालांकि आप बुद्धिमान हैं, आप करना सब कुछ चाहते हैं, पर ये प्लान्स कुछ अलग बनाते हैं जिसकी वजह से प्रॉपर प्लानिंग नहीं बनती है और वो फिर रिजल्ट्स आपके खराब कर देती है। तो ये दोनों कार्ड्स के कॉम्बिनेशन से मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्लान्स पे वर्क कीजिए, रिजल्ट टाइम आ गया है आपका, बट थोड़ी जो मानसिक अस्थिरता आपकी रहती है ना उससे बाहर निकलिए। एंजल आपके साथ है और ये देखिए आना एंजल को देख रहा है ना, तो एंजल आपके साथ है, एंजल की प्रेयर करो, वो तुम्हारे सभी कॉर्ड्स कट कर देंगे। कॉर्ड्स कट मुझे याद आया वर्ड है, तो मैं इससे बोलना चाहूँगी अगर बहुत ज़्यादा लोगों से ऐसे अटैच होते हैं जो आपकी तरफ नेगेटिव दे रहे हैं, तो प्लीज कॉर्ड्स कटिंग आप जरूर कीजिए। कहीं ना कहीं ये भी आपको दिक्कत कर रहा है, ये भी आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेज कर रहा है या आपके करियर में ब्लॉकेज कर रहा है, जिस क्षेत्र में भी आप देख रहे हैं उसमें ये ब्लॉकेज कर रहा है, तो कॉर्ड्स कटिंग आपकी जरूरी है, तभी आपको ये एंजल आपके गुड कर्म दे सकती है। कॉर्ड कटिंग आपके रिकमेंड कर रही हूँ, प्लीज करिएगा। ये कार्ड दिखा रहा है जो भी प्लान्स आपके पिछले रहे थे, हालांकि वो काफी आपके सक्सेस रहे हैं, बट आपके जो मन चाहे रिजल्ट थे वो आपको इसमें नहीं मिले। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग, यहाँ पे आप देखेंगे अमावस्या का दिन दिखाया गया है, सूर्य और चांद का दिखाया गया है और साथ में ग्रहण का भी चित्रित है, यहाँ पे ग्रहण भी आप मान सकते हो। आपका जन्म या तो ग्रहण के दिन हुआ होगा या आपका जन्म अमावस्या के दिन हुआ होगा, जिसकी वजह से उस चीज़ों का प्रभाव आपके ऊपर पड़ा है। सूर्य आपके कमजोर होते हुए मुझे देखते हैं कि आपके सूर्य कमजोर हो सकते हैं, चंद्रमा कमजोर हो सकते हैं, तो मैं आपको दोनों चीज़ों का रिकमेंड करूँगी। आप सूर्य का भी नमस्कार सुबह उठकर करें और रात में चंद्रदेव का भी नमस्कार करें, उनके जन्म के भी रिचुअल्स अपनाएं। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है ना, आप कुछ नया प्लान कर रहे हो, कुछ पुराना छोड़कर नया प्लान कर रहे हो और उसमें आपकी यहाँ पे सक्सेस भी दिख रही है।
आपने जिस और रास्ता बनाया है ना, उस पर विश्वास करके रखिए। कॉर्ड्स कटिंग करने का यहाँ पर मैसेज है, कॉर्ड्स कटिंग कीजिए। जो भी नया प्लांट्स बना रहे हो उसके तरफ आगे जाइए। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जैसे आप आपके ना अंदर स्पिरिचुअलिटी की थोड़ी सी कमी है, इमोशनल लॉस इसी वजह से ही दिख रहा है। चीजों को रूटीन से नहीं करना, समय पर नहीं करना, ये भी एक बहुत बड़ी ब्लॉकेज होती है। तो मेक श्योर आप होइए कि अपना रूटीन सही करें, टाइम टू टाइम को कंप्लीट करें काम को। जो लोग टाइम के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं उनके भी लाइफ में चाहे जितनी भी वो मेहनत करें ब्लॉकेज बनते ही रहते हैं। सूर्यदेव का नमस्कार सुबह उठ के करें, और जब ये आप करेंगे तो आपको टाइम से काम करने की आदत आपकी खुद ही बनेगी। ये मानसिक अवसाद दिखा रहा है, ये भी मानसिक अवसाद दिखा रहा है, दोनों ही मानसिक अवसाद मुझे नजर आ रहे हैं। तो इन दोनों की नेगेटिव एनर्जी से निकलना है, कॉर्ड्स कटिंग कीजिए। एंजल आपके साथ है बट कनेक्शन आपका नहीं जुड़ पा रहा है, क्योंकि आप या तो आप विश्वास की कमी है या कॉर्ड्स कटिंग नहीं हो पा रही है। तो विश्वास अपने आप को जगाइए। अगला कारण, फोर ऑफ पेंटिकल्स, डर दिख रहा है यहाँ पे मुझे, यहाँ पे मुझे डर नजर आ रहा है। किसी चीज को लेकर आप डरे हुए हो तो यहाँ पे नवंबर माह आपके लिए ये बोल रहा है कि इस डर को निकालो, रिस्क लेना सीखो। ये भी देखिए, बंदा जो है ना ये मेटेरियल लाइफ में जीता है और आध्यात्मिक लाइफ में ध्यान ही नहीं, इसका स्पिरिचुअलिटी में कोई भी ध्यान नहीं है। इसका क्या है ना, इसने पकड़ के रखा हुआ अपनी हर चीज को। यहाँ भी कॉर्ड कटिंग का मैसेज, पकड़ के चीज के मत रखना है, इसको रिलीज करो। मेटेरियल लाइफ के ऊपर कम ध्यान दो और स्पिरिचुअलिटी पर जाइए, ध्यान लगाइए, जप कीजिए। पाइल वन जहाँ मुझे बहुत ही दिख रही थी कि वो जब पूजा पाठ में बहुत विश्वास करती है, तो पाइल टू में मुझे इसका उल्टा नजर आ रहा है कि ये बिल्कुल भी पूजा पाठ में नहीं ध्यान देती है और देता है। और ये मैं देती हूँ बोलने तो इसका मतलब ये नहीं कि ये लड़के देख रहे तो उनको उनके लिए नहीं है, उनके लिए भी अफसोस का है। यहाँ मुझे यही दिख रहा है, ठीक है। प्लीज थोड़ा सा ना मून रिचुअल्स कीजिए, अफर्मेशन कीजिए, एंजल प्रेयर कीजिए। आपके लिए एंजल भी ब्लेसिंग लेके आ रही है बट आप दिख रहा है कि आप एंजल्स की तरफ देखते ही नहीं हो, आप देखो गुस्से से देख रहे हो। जब आप गुस्से से देखोगे तो एंजल कैसे मदद करेगी, आपको एंजल की तरफ प्यार से देखना है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कार्ड तो आना ही था। और ये कार्ड क्यों आना है मैं आपको बता दूं, आप कर्म करते हो, अच्छी बात है, आप कर्म पर अपना विश्वास बना के रखे हो, अच्छी बात है, पर आध्यात्मिक होना भी जरूरी है। और जब आप आध्यात्मिक नहीं होते हो, किस्मत को नहीं जगाते हो, तो आपके साथ ये रिपीट होता है, कर्म आप करते हो क्रेडिट कोई और ले जाता है, कर्म आप कर रहे हो क्रेडिट कोई और ले जाता है। और क्यों? क्योंकि आप आध्यात्मिक रूप से अपने आप को कनेक्ट ही नहीं कर रहे हो। आपको एंजल प्रेयर्स करनी चाहिए, आप एंजल प्रेयर्स नहीं करते हो, ईश्वर का ध्यान जब नहीं करते हो और जब काम आपका पूरा नहीं होता है तो ईश्वर की तरफ गुस्से से देखते हो। देखो ये कैसे गुस्से से देखता है, ये गुस्से से देखता है और यहाँ वो भाग रहा है, यहाँ वो भाग रहा है ईश्वर से, तो यहाँ नहीं। हालांकि टेरो कार्ड रीडर इसको आध्यात्म की ओर जाते हुए दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप भागते हो। तो अब आपको भागना नहीं है, आपको भागना है ईश्वर की तरफ, ईश्वर की तरफ मुड़ना है। रिस्क है पर आपको जाना है, ये डर निकालना है, ये पकड़ के नहीं रखना है। ये कैसे देखो, पकड़ के रखा है, नीचे ऊपर नीचे पकड़ के रखा, पकड़ के नहीं रखना है। जिनसे भी अटैचमेंट अधिक है, जो भी नेगेटिव भेजते हैं उनकी कॉर्ड्स कटिंग कीजिए। ईश्वर को जरूर मानिए, नहीं तो इस कार्मिक पैटर्न को आप यूं ऐसे ही झेलते रहोगे ना। यहाँ शनि देव भी मुझे नजर आया, और जिस दिन मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ उस दिन भी शनिवार है, तो शनिवार के दिन आप शनि देव को जरूर जल चढ़ाएं, हो सके तो सरसों का दिया उनके नाम से जरूर जलाएं, पीपल वृक्ष की पूजा करें। शनिवार को पीपल वृक्ष की पूजा करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं, तो ये आपको करने की जरूरत मुझे दिख रही है। नहीं करेंगे तो यही इस एनर्जी में देखिए,
किसी और के काम को ये धूर्त आता है और ये ले जाता है। इससे बचने की कोशिश कीजिए। आर्कएंजल हैनिल का प्रार्थना कीजिए, आर्कएंजल गैब्रियल का प्रार्थना कीजिए। गुरु की कृपा भी मुझे दिख रही है कि गुरु की कृपा भी आपके पास कम है, तो इसके लिए आप साईं बाबा का भी ध्यान कर सकते हैं। हर गुरुवार को साईं बाबा का ध्यान कीजिए, उनका चालीसा पढ़िए। चलिए आपके लिए एंजल मैसेज देख लेते हैं, आपके लिए एंजल मैसेज क्या आ रहे हैं। और बाई टू प्लीज थोड़ा सा, ये अभी मैं नहीं लूंगी क्योंकि मैं तैयार नहीं थी। फाइल टू के लिए मैसेज, फाइल टू के लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है। फाइल टू में आपसे हाथ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि ये आपके साथ में जुड़ रही हैं, एंजल आपके साथ जुड़ रहे हैं और आप एंजल्स को निगलेक्ट कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। ये मत कीजिए, क्योंकि नवंबर माह से आपके लिए ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग आ सकती है, बट आप उसे गवा रहे हो, मिस कर रहे हो। जो भी कर्म किए हैं उसका गुड कर्म सार है, बट आप मिस कर रहे हो, अपने अंदर ही खोए रहते हो। क्यों खोए रहते हो? आपके लिए एंजल्स की तरफ क्या मैसेज है, फाइल टू के लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है। ब्लेसिंग एंड अबंडेंस, ब्लेसिंग है, अबंडेंस आएंगी, ब्लेसिंग आएगी, अबंडेंस आएंगी। लेकिन आपको करना क्या है, प्रेयर्स करना है, रेकी एनर्जी जो भी आप चाहते हैं एनर्जी कीजिए, अफर्मेशन क्रिएट कीजिए। अफर्मेशन में बहुत जादू होते हैं, जैसे हमारे हिंदी में, हमारे संस्कृत में ईश्वर के लिए जब के लिए मंत्र होते हैं, ये अफर्मेशन वही होते हैं। तो इन पर विश्वास करना सीखिए। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप विश्वास की बहुत कमी है, तो विश्वास कीजिए। एनर्जीज के साथ काम कीजिए, एनर्जीज के साथ आप काम करेंगे, मैं श्योरिटी से कह सकती हूँ आपके अगले 4 से 5 महीने आपके बहुत बड़ी ब्लेसिंग ला सकते हैं। तो अगर आप विश्वास नहीं करते हैं तो जस्ट 5 नवंबर को न्यू मून है, न्यू मून से आप हमेशा का रिचुअल कीजिए, मून रिचुअल कीजिए और नई शुरुआत कीजिए एनर्जी से साथ जुड़ने का। अगला कार्ड से देख रहे हो ना, कार्ड आपके सामने निकाल रहे हैं। ये कार्ड भी बोलता है कि जो भी ब्लॉकेज है वो इसीलिए है क्योंकि आप ईश्वर से नहीं कनेक्ट हो रहे हो। यहाँ पे ईश्वर से जुड़ने के प्लान्स बनाने की बात कर रहे हैं, एनर्जी से जुड़ने की बात करता है, धर्म से जुड़ने की बात करता है, एंजल से जुड़ने की, एंजल्स कार्ड है, तो मैं यहाँ पे एंजल से जुड़ने की बात करूंगी, एंजल से जुड़ने की बात कर रहा है। एनर्जी के साथ काम कीजिए, एनर्जी आपके इर्द गिर्द है, साथ काम कीजिए। यहाँ भी एनर्जी के साथ काम कर रहा है ये, और ये यहाँ भी एनर्जी के साथ काम कर रहा है। और कलेक्टिव में मुझे दिख रहा है कि बहुत सी लेडीज हैं जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसा उनको रुकता नहीं है, पैसा जो रुकता है उसे दबा के रखना चाहती है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता है। इसकी वजह ये भी हो सकती है। तो प्रेयर जरूर कीजिए, आर्क एंजल गैब्रियल, आर्क एंजल हैनियल, आप प्रेयर कीजिए। होली लव मुझे कार्ड अभी याद आया पाइल वन से, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी आर्क एंजल चामेल का भी आप प्रेयर कीजिए। अगर आप न्यू जॉब पाना चाहते हो वो नहीं मैनिफेस्ट हो रही है, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं नहीं मैनिफेस्ट हो रही है, तो भी आपको आर्क एंजल गैब्रियल और आर्क एंजल चामेल का प्रेयर करना चाहिए। क्लियर कैंसल एंड रिलीज, देखिए मैंने कॉर्ड्स कटिंग की बात की थी और ये मैसेज वही है। कॉर्ड्स कटिंग कीजिए, जो भी नेगेटिव लोग आपको मैसेज भेजते हैं, जो भी आपके लिए करते हैं, उनके उनसे कॉर्ड्स कटिंग कीजिए। और आपका देखिए बॉटम में कार्ड क्या आया है, नो। जो डिजायर्स कर रहे हैं, विशेस कर रहे हैं, उनका आंसर भी नो हो जाएगा अगर आप कॉर्ड्स कटिंग नहीं कर रहे हैं, आध्यात्मिक में नहीं जुड़ रहे हैं। कर्म की करिए बट आध्यात्मिकता से भी जुड़िए। पिछले आर्क मैंने आर्कएंजल मैसेज की सीरीज बनाई थी,
एंजल नंबर 777 या 77 जिनको भी दिखते हैं उसमें भी ये मैसेज आया था कि कर्म आपको करने ही पड़ेंगे। वो तो ठीक है, पर आपको आध्यात्म से भी जुड़ना होगा, एंजल्स के साथ में भी जुड़ना होगा ना। एंजल के साथ जुड़िए, विश्वास कीजिए। विश्वास की कमी लग रही है कि आप ईश्वर पर, स्पिरिचुअलिटी पर, एनर्जी पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। एनर्जी पर विश्वास कीजिए, ये ब्लेसिंग देती है, अबंडेंस देती है। और ये मैं खुद इसका जीता जाता उदाहरण दूँ। तो यह पाइल टू, ये मेरी आपके लिए रीडिंग थी। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट हुई है और आपने ये पाइल चुनी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप प्रेयर को रिसीव करना चाहते हैं तो कमेंट्स में थैंक यू फॉर द प्रेयर जरूर लिखिएगा। और विश्वास कीजिए, कर्म कीजिए, विश्वास कीजिए, ईश्वर की तरफ जुड़िए। 5 नवंबर से मैं आपको पाइल टू रिकमेंड करूँगी कि आप अफर्मेशन रिचुअल जरूर कीजिएगा, आपकी डिजायर्स पूरी हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और मैं आपके लिए स्पेशली प्रेयर करूँगी। और आप ये प्रेयर चाहते हैं तो अपना कमेंट में जरूर लिखिएगा आपकी प्रेयर फॉर मी, तो मैं आपका नाम पढ़ते आपको प्रेयर सेंड करूँगी।